हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे SBI PO का प्रीलिम्स मॉक नंबर 2। जैसा कि मैंने आप सबको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म भी किया था कि आज हम मॉक नंबर 2 करेंगे, तो इसको और ये मैं लगाऊंगा गार्डली पर। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। SBI PO मेंस जो कि लास्ट ईयर हुआ था, उसमें गार्डली का ये था स्पेशल करंट अफेयर कॉम्बो, ठीक है। और इसमें एक आता है ऑप्टिमम क्वांट करंट अफेयर्स, ठीक है। और एक आता है ये जनरल अवेयरनेस स्मार्ट एनालिसिस। इसमें क्या होता है, हर वीक के आपको पार्ट मिलते हैं, 4 पार्ट मिलते हैं हर वीक में। मतलब कि 50 क्वेश्चन की एक टेस्ट होता है, ऐसे ही 4 टेस्ट मिलेंगे, यानी कि हर वीक के 200 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें मिलते हैं। और लास्ट ईयर SBI PO मेंस में इसमें 50 में से 38 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया है, ठीक है। तो आप अगर इसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसका प्राइस 299 है और कोड आप RJ12 यूज़ करोगे तो इस पर आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक तो ये स्मार्ट एनालिसिस है, मैं इसमें से देखूंगा करूंगा ये भी, ठीक है। SBI PO के लिए भी और IBPS PO मेंस के लिए इसमें से करूंगा। अगस्त का स्टार्ट करूंगा, पहले अगस्त का जो अफेयर्स क्लाउड से मैं कर रहा हूँ वो करने के बाद इसमें से क्विज़ लगाएंगे और देखेंगे क्या कुछ रहता है। और इसमें आपको PDF मिलती है ऑप्टिमम क्वांट अफेयर्स में, ठीक है। टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स कवर होते हैं डिटेल में, तो इसमें आपको PDF वगैरह मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक नंबर 2 हमारा, वो देखते हैं कैसा रहता है। थोड़ा सा लोड लेने में टाइम ले रहा है, ओके। सबसे पहले रीजनिंग क्वांट और फिर लास्ट में इंग्लिश करते हैं हम स्टार्ट इसको। इंग्लिश यहाँ से आई एम रेडी टू बिगिन। ओके, तो स्टार्ट मैं करूँगा सबसे पहले छोटे क्वेश्चंस अटेंड करूँगा इसमें। और ये है, इफ़ इन द गिवन वर्ड ऑल कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस टू द सेकेंड प्रीसेडिंग, ठीक है। तो वर्ड लिख लें MEASURE MENT, कॉन्सोनेंट ये हो गया MNOPQRSTUV हो गया। और क्या है, वोवल इज रिप्लेस इमीडिएट नेक्स्ट, एक सेकेंड, प्रीसीडिंग बोला था यार, ये मैंने गलत लिख दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, JKJKLM, तो K आएगा इसकी जगह, ठीक है, ये नहीं आएगा। MNOPPQRS, S है तो इधर Q आ जाएगा, अब R है तो इधर आएगा P, ठीक है, एम है तो के आ जाएगा, और एन है तो एल आ जाएगा, ठीक है। अब टी है, PQRST है तो आर आ जाएगा इधर। और क्या बोला है कि कॉन्सोनेंट हो गया ये वोवल इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, EF हो गया, ये बन गया हमारे, एक इधर इधर, ये इधर हो गया, इधर हो गया यू, एक सेकेंड, ये गलत कर रहा हूँ मैं, ए के बाद आएगा बी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फिर क्या है, ओ लेटर्स आर अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो फिर ABCD बी आ गया, CDEF आ गए, 3 F आ रहे हैं, ठीक है, ABCDEF, चाहे J K आ जाएगा, K बाद L, MNOPQRSTUV, और 6 फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 4 5 6 के आ जाएगा इधर, टाइम बहुत ज़्यादा ले गया मैं, इफ द नंबर 9 4 1 7 3 6 2 5 8, इफ ऑल डिजिट्स इन द इवन नंबर पोजीशन, तो ये हो जाएंगे इवन नंबर पोजीशन, फ्रॉम द लेफ्ट एंड आर इंक्रीज बाय 2 6 9 8 7 एंड द रिमेनिंग डिक्रीज बाय 1,
1, 0, 2, 1, 7. What is the sum of the digits which are not repeated? 7 खत्म हो गया, 8 खत्म हो गया, ठीक है, तो ये बचेंगे हमारे पास 6 और 3, 9 दुनी 18, ठीक है, तो इसको भी लिमिटलेस लिमिटलेस एक ये रहा, इसमें मिलेगा के और जे हो सकता है, जेड एल, अब जेड एल नहीं होगा, एच जी नहीं होगा, एफ डी ये नहीं होगा, ठीक है, और क्या पूछा है, एफ डी, एफ डी का एक ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों में से ओल नहीं होगा, पीपल नीड मनी, नीड हो जाएगा इसका, नीड के बाद क्यू डब्ल्यू, क्यू और फिर डब्ल्यू ये रहा, शेयर, शेयर नहीं होगा, नेशन नहीं होगा, गुड, गुड न्यूज़, गुड गुड और न्यूज़ दोनों में से भी कोई हो सकता है क्या? ना तो मुझे गुड दिख रहा ना न्यूज़ दिख रहा, ठीक है, तो गुड और फिर न्यूज़, तो एम एन, एम एन इन दोनों में कॉमन है, शेयर हो जाएगा एक तो, नेशन नहीं होगा, गुड नहीं होगा, न्यूज़ नहीं होगा, तो शेयर हो जाएगा ये, मे भी तो पूछा है, नीड गुड शेयर या फिर नीड न्यू शेयर, नीड गुड, नीड गुड, नीड न्यूज, न्यूज है ये, न्यूज नीड शेयर ये हो गया, फिर इसका ये दे रखा है एंड इसका ये दे रखा है, सो दैट एस ए का बताना है, एस ए का क्या हो जाएगा, एक ये रहा इसमें ओल, पीपल ओल हो सकता है, पीपल नहीं होगा, नीड, नीड भी नहीं होगा शायद, हाँ नहीं होगा, मनी, मनी हो सकता है लेकिन मनी का उसमें है तो मनी का नहीं होगा, डी वी, डी वी का, डी वी अपना उसमें भी है और कहाँ है डी वी, डी वी बी वी है तो पूछा है डी वी, तो डी वी का इसमें ही होना चाहिए, लाइफ वॉन्ट, वॉन्ट इसमें हो गया, डी वी नहीं होगा इसका, वॉन्ट का लाइफ का हो सकता है, लाइफ हो गया, मनी क्योंकि उसमें है और इसमें है नहीं, और कौन सा ओ एन, ओ एन का ये इसी में मिलेगा, वेंट होगा नहीं, लेस सैड, तो और कहाँ है, लेस और सैड दोनों में से ही कोई हो सकता है, सी एन डी आएगा फिर तो, मोर नेशन, एक ये रहा मोर, मोर है सिर्फ इसमें, तो एम एन नहीं होगा, बी वी ये नहीं होगा, सी एक्स, सी एक्स हो जाएगा नेशन का, इसमें एक ये रहा नेशन, तो लास्ट वाला है ई आर एच जी, एच जी सी एक्स, फिर ओल बोटल, एक सेकेंड, ओल सम बोटल ग्लास बोला है, सही है, ओनली फ्यू ग्लास, स्ट्रॉन्ग ओल स्ट्रॉन्ग, वुड ओनली फ्यू वुड, वीक, ठीक है, ओल ग्लास कैन नॉट बी वुड, ओल ग्लासेस कैन नॉट बी वुड, ये गलत है, सम स्ट्रॉन्ग इज नॉट वीक, सम स्ट्रॉन्ग इज नॉट वीक इज अ पॉसिबिलिटी, सही है, तो ये हो सकता है, ओनली सेकेंड होगा इसका, फिर है ओल एम बी जी बी, ओनली फ्यू जी बी, टी बी, नो एम बी, बाइट सम बाइट, बिट नो टी बी इज बाइट, नो टी बी इज बाइट इज ए पॉसिबल, पॉसिबिलिटी है तो ठीक है, और क्या है, सम जी बी इज, सम जी बी इज डेफिनेटली नॉट बिट, सम जी बी इज नॉट डेफिनेटली नॉट बिट, ये गलत हो गया, ओनली वन, फिर ओनली फ्यू गुड, गुड आर्ट, ऑल गुड, कॉस्टली सम, कॉस्टली वर्थ और सम, सॉरी ओल्ड ट्रेजर, तो सम ट्रेजर इज गुड, सम ट्रेजर इज गुड इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, ये गलत हो सकता है होने को तो, और फिर क्या, ओल्ड कॉस्टली बिंग आर्ट, ओल्ड कॉस्टली बिंग आर्ट इज ए पॉसिबिलिटी, गलत हो गया ये भी, नाइदर नोर आएगा डी ऑप्शन, सम मोनो बिनो, ओल बिनो, ट्रायो ओनली फ्यू ट्रायो, बेस्ट नो बेस्ट, ग्रेट ऑल मोनो बिंग ग्रेट, ऑल मोनो ये हमारा लिखना पड़ेगा, इधर बिनो है
और ये हो जाएगा बेस्ट। क्या पूछा है? ऑल मोनो बिंग ग्रेट, ग्रेट है ये, इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, गलत। सम बिनो इज नॉट बेस्ट, सम बिनो इज नॉट बेस्ट, हो भी सकता है नहीं भी, हमें नहीं पता, नाइदर नो। और फिर हमारा ठीक है, तो यही बचते हैं। अब ये देखते हैं, 8% है जो कि सिटिंग अराउंड इज स्क्वायर टेबल, सो द 2% सिट ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 हो गया। क्यू सिट सेकंड टू द राइट, क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन टू फेसेस डब्लू, क्यू इधर आ जाएगा फिर। और क्या है? एस एंड डब्ल्यू सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, डब्ल्यू सिट एस और डब्ल्यू एक साथ हैं। क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस डब्ल्यू, सही है। और क्या बोला है? टी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। और क्या है? एज मैनी पर्सन क्यू और टी, उतने ही टी और वी में, क्यू टी टी और वी, क्यू टी टी और वी, क्यू क्यू टी, क्यू टी टी और वी, क्यू टी टी और वी हो गया। ठीक है, ओनली 2% वी और यू, ओनली 2% वी और यू हो गया वी। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ओनली 2% वी और यू। ठीक है, आर सेट इमीडिएट राइट ऑफ यू, ये गलत, आर हो गया इधर, बी और यू में एक दो, इधर एक दो, यू आर सिट इमीडिएट राइट, ये बनेगा। पी और आर डज नॉट सिट ऑन सेम साइड, पी और आर ये बनेगा, तो ये गलत, ये सही हो गया। पी और टी, पी और टी एक का गैप है, आर डब्लू दो का गैप है, यू और बी दो का गैप है, तो एक वाला गलत होना चाहिए। क्यू और पी, एस और डब्लू, एक सेकेंड, एस और डब्लू कैसे हो गया? फिर पी टी अलग अलग हैं, आर डब्ल्यू भी अलग अलग हैं, बी और यू भी अलग अलग, क्यू और पी भी अलग अलग हैं, एस और डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू होना चाहिए, दोनों एक साथ हैं। से थर्ड टू द राइट ऑफ पी, 1 2 3 क्यू, एज मैनी पर्सन आर एंड, आर एंड ठीक है, उतना ही क्यू और डब्ल्यू, वेन काउंटेड टू द बोथ लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट ये लेफ्ट ये, तो इधर होना चाहिए, आर और डब्लू दो है, और क्यू और वी है ही नहीं है, तो आर और पी, आर और पी लेफ्ट ऑफ आर, तो लेफ्ट ऑफ ये, एक सेकेंड, लेफ्ट ऑफ आर और यू, लेफ्ट में एक है, फिर ये नहीं बनेगा लेफ्ट ऑफ, तो ये राइट में हो गया, और पी क्यू क्यू के लेफ्ट में हो गया टी, ये बनेगा नहीं। ठीक है, पी और एस, सॉरी आर और एस में है एक का गैप, क्यू और बी क्योंकि लेफ्ट में ये बन जाएगा एक का गैप। हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग डब्ल्यू और पी, 1 2 और 3, कहीं से भी देख लो, तीन ही बैठे होंगे, बी और नहीं बनेगा, यू और टी ये मिलना चाहिए। पोजिशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू यू, एस इमीडिएट लेफ्ट, 7 लेक है जो कि यह है, आई हैज़ मोर फिशेस, आई हैज़ मोर फिशेस देन के और ई, जे हैज़ मोर फिशेस देन जे, जो कि आई से ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, और जी हैज़ लेस देन एफ, जी इज़ लेस देन एफ, बट जी हैज़ मोर फिश देन एच, और जी हैज़ मोर फिश देन आई। ठीक है, एज मैनी लेक्स मोर देन जे लेस देन के, है ये 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर क्या? नाइदर के और ई इज द लिस्ट, के और ई लिस्ट है नहीं, द लेक विच इज थर्ड लोवेस्ट, 1 2 3 थर्ड लोवेस्ट, 220 एंड इज मोर देन ई, ई से ज़्यादा है ये, यानी कि ई हमारा या तो इधर आएगा या फिर ऊपर आएगा, है ना? और इधर क्या बनना है?
एज मैनी लेग्स मोर देन जीव के, कि हमारा इधर हो नहीं सकता, या तो के इधर होगा तीन, इधर ही बनना चाहिए के अगर इधर आया, या फिर ई इधर के इधर, अब के और एक दो जे, अगर एक सेकेंड इसको तो जे इधर आ जाएगा जे, ठीक है, अगर इधर जे आया तो आई इधर, और फिर हमारा क्या बच गया, एफ जी और एच, एफ जी और एच, और एफ जी जी ग्रेटर देन आई है, ये तो सही है, एफ जी आई फिर एच, ये भी सही बन गया, मोर देन के और ई, आई मोर देन के और ई, ई और ई सही है, जे मोर देन आई, जे मोर देन आई ये भी सही है, जी हैज़ लेस देन एफ, जी लेस देन एफ है बट जी हैज़ मोर फिश देन एच और आई, एच और आई भी सही है, एज मैनी मोर देन जे, मोर देन जे एक, लेस देन के हो जाएगा, नाइदर के और ई हैज़ द लीस्ट फिश, और द लेक विच हैज़ थर्ड लोवेस्ट, ओके तो ये नहीं होगा ना, ये हो जाएगा हमारा, हाउ मैनी लेक्स हैव लेस देन द फिशेज, जे 1 2 3 4, द एवरेज नंबर ऑफ फिशेज जी और के, जी और के का 165 है, 120 130, ठीक है, वो 200 ही हो जाएगा, 0 3 330 हो गया, ये 330 के बाद 120 आएगा, 0 1 210 आएगा, और आई हैज 30 लेस देन जी, 30 लेस देन 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा आई का, और जी का कितना है हमारे पास 210, हाउ मैनी फिशेस जी, जी का पूछा है ना, 130 नहीं हो सकता, 170 नहीं हो सकता, 200 हो सकता है, 180 नहीं होगा, ठीक है ये होगा, द सम ऑफ द फिश इन लेक आई और एच, आई और एच 230, डिफरेंस बिटवीन आई और एच दे दिया 70, यानी कि बच गया 160, एक का 80, 80 और 70, 150 और 80 होगा दोनों का, तो आई हमारा है आगे, तो 150 और 80 हो जाएगा, द नंबर ऑफ ई, ई के पास पूछा है 80, 80 से ज़्यादा, 120 से कम, सो ठीक है, 8% है लीनियर रो, तो ये देख लेते हैं हम, एक ही हो पाएगी, सही से चूज करनी पड़ेगी कौन सी करें, ठीक है, या तो ये वाली करें हम, एक सेकेंड ये भी तो रहता है क्वेश्चन, राम स्टार्ट वॉकिंग टू ईस्ट डायरेक्शन एंड रीच 5 मीटर, चला और रीच टू द मार्केट, ठीक है, देन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 7, देन टर्न टू द राइट एंड वॉक 9, रीच द टेम्पल, साउथ डायरेक्शन में चला 13, रीच टू द स्टेशन, टू कंसेक्यूटिव राइट, तो राइट में एक 3 चला, ठीक है, फिर राइट में चला 10, स्कूल, और इधर आ गया कैंटीन, ठीक है, टर्न अराउंड 90 डिग्री, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज इधर हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर, तो इस तरफ राइट लेफ्ट में मुड़ गया एंड वॉक 11, ये कितना बना 6, तो ये हो गया 6 और 5 ही हो जाएगा, इधर आएगा, ठीक है, टू रीच द बस स्टॉप, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ बस स्टॉप विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग, डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये, ये हमारे पास है 10, 3 बचा 4, 4 किलोमीटर नॉर्थ, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मार्केट एंड कैंटीन, कैंटीन ये हमारा है 6, और ये हमारा है कितना 4, 6, 6 6 36, 4 4 16, 6 2 12, 52, तो 3 3 9, नहीं 3 3 9 नहीं बनेगा, 2 2 4, 13 6 52 ही हो गए, और फिर हमें क्या करना है ये वाला देख लेते हैं, 1975, 1978, 1983, 1987, 1992, 1999, 2007, 2012,
ठीक है, एल इज़ कंस्ट्रक्टेड 8 ईयर बिफोर, 8 साल पहले, तो भाई ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, इसके 8 साल पहले ही हो सकता है, एल बिफोर एन, इसके 8 साल पहले नहीं बनेगा, इसके 8 साल पहले ये हो सकता है एल और फिर एन, इसके 8 साल पहले नहीं हो सकता इसके 8, तो अगर हम 8 करेंगे तो नहीं बनेगा, बस ये दो पॉसिबिलिटी, ओनली 2 वर्ड हैं, एल और के, देर आर 4 ईयर गैप, 4 ईयर्स गैप बिटवीन के और एम, के और एम में 4 साल का गैप है, तो इसका मतलब 4 साल का के और एम ये बनेगा, एक यही है, अगर इसके 4 साल का गैप है तो के और एम इधर, इधर भी इधर नहीं होगा, एक सेकंड देख लेते हैं, एल एन और एम, और ओनली वन डिस एम और ओनली वन डैम एम और जी के बीच में एक ही है, एम और जी, एम और जी, एम और जी, ये वैसे गलत होगा, आई कंस्ट्रक्टेड 4 ईयर आफ्टर एच, आई कंस्ट्रक्टेड 4 ईयर आफ्टर एच, इसमें पॉसिबल नहीं है ये चीज़, 4 ईयर आफ्टर एच, ये तो कहीं भी नहीं बन रहा फिर मेरा, आई वॉज कंस्ट्रक्टेड 4 ईयर आफ्टर एच, तो एच अभी तक आया भी नहीं है, द डिफरेंस बिटवीन द गैप एच और जे, मैंने आई थिंक और इनका गैप बोला था 4 साल का एच के और एम के बीच में, के और एम इधर भी नहीं आएगा, के 4 साल का गैप इधर हो गया, गलत कर दिया मैंने, ये कुछ ना कुछ गलत बना दिया और टाइम भी चला गया, गलत चूज़ कर ली, 75, 88, 83, 87, 92, 99, 2007 और 12, 8 ईयर बिफोर एंड, आई थिंक यही मैंने गलत चूज़ कर लिया है, तो डिफरेंस जो आएगा इनका 7 का आना चाहिए था और ये मैंने गलत कर लिया, ठीक है, और इसकी वजह से गलती हो गई। ठीक है, तो भी करते हैं हम क्वांट, और क्वांट में यही कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स सोल्ड दिया है इसने, तो शॉप ए बी सी डी ई, और इसमें 25 का यानी कि 1/4 करेंगे, 4 × 5 600 हो गया, और 24 एक जाएगा 0, 4 × 8 2 × 4 और 15 जो कि 60, 6 × 15 = 30, 36 और यहाँ से 18, 24 और 24 और 18 करेंगे, 8 × 32 3, 8 × 16 और 16, 6 × 12 13, 1 2, ठीक है, 2 432, यहाँ से 22 आया, 22 का अगर 23 का कितना था, 529, 528 हो जाएगा, ठीक है, इधर टोटल नंबर ऑफ मार्बल सोल्ड बाय एफ इज 72 मोर देन द ई, 528, 72 करेंगे 0, 5 × 600 आ गया, ठीक है, एंड द मोर देन एंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल सोल्ड इन जी, जी इज एवरेज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल बी और सी, 0 8 4, 4 4 8, 420 आ गया, जी का डिफरेंस बिटवीन एफ और जी, डिफरेंस बताना है, 180 आ जाएगा इनका रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल सोल्ड, और ये था हमारे पास सोल्ड टू अनसोल्ड, बी बी का और सी का सोल्ड अनसोल्ड, सोल्ड अनसोल्ड 6:5 और यहाँ 4:5, बी का है सोल्ड हुआ हुआ 480, 6 8 0 8 5 40, 400 आ गया, और यहाँ पर है 4, और ये कौन सा था हमारा सी, सी में 360, 4 करेंगे 9 0 9 5 45 आ जाएगा, एंड द रेशियो ऑफ द अनसोल्ड बी और, तो ये कितना आएगा, 8:9, टोटल नंबर ऑफ मार्बल सोल्ड इन डी और डी और ई, 25% और 50% ऑफ देम आर ग्रेट एज, ठीक है, डी में और ई में 432, 528, ठीक है, इनका
ये दे दिया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन जो कि सोल्ड की है इन दोनों ने मिला करके। तो यहाँ से 1/4 निकालेंगे सीधा सा, 108 आ गया, और यहाँ से इतना निकालेंगे 1/2, तो 2 आएगा, 6, 4, 8, 4, 12, 7, 372। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मार्बल सोल्ड COD, COD 297, 3 आएगा, 9 दुनिया 18, 6, 396। द टोटल नंबर ऑफ मार्बल सोल्ड इन शॉप बी, शॉप बी ओके, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मार्बल सोल्ड इन डी, 406%, 432, डी और ई ओके, डी और ई 0, 3, 3, 6, 5, 4, 9, 9, 6, 0, तो 1/2 हो गया 50%। एक तो हो गया हमारा, और ये फिर से नेटवर्क यार ये गड़बड़ कर रहा है बार, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एक तो अच्छा खासा चल रहा था अभी, अभी इसको चेंज करो, बाद में पता नहीं बीच में गड़बड़ ना हो जाए। बस ये खामखा बीच में बहुत टाइम खराब करता है यार ये चीज़ें। तो इसको अभी एक बार मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है, और पहले बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। छोटे वाले कहाँ हैं हमारे, ये रहा, ठीक है। तो इसमें इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 होना चाहिए था, लेकिन नहीं। अच्छा तो ये नहीं चल रहा है, तो इसमें एक काम होता है, प्लस 6 माइनस कितना हुआ 8, प्लस का 12, फिर कितना हुआ माइनस 18। तो यहाँ से अगर डिफरेंस देखें 6, 4 और 2, तो अगला 8 का डिफरेंस होना चाहिए, वो बढ़ ही रहे हैं, तो 8, 2, 16, 26, 26 जो होगा इसमें ऐड होगा तो 24 बन जाएगा इधर 24। अब यहाँ से हम देखते हैं तो इंटू 1.52, फिर 1.52, फिर 1.5 होगा, तो 104 तो ये हो गया, 25, 26, 27 करेंगे, 7, 4, 11, 3, 131। अब 131 है नहीं इसमें, 1.52, यहाँ से फिर 1.5 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1.5 होगा ना, मैं भी 27, 7, 4, 11, 5, 3, 8, 81 हो जाएगा इसका। और यहाँ से माइनस किया इसने 200, फिर माइनस 160, माइनस 8, 4, 12, फिर माइनस किया 6, 7, 8, 40, 40 का हो रहा है, तो अगला 40, 200, और इधर प्लस का 5, प्लस का 8, प्लस का 16 और 1, 17, प्लस 4 और 2, इनका डिफरेंस 3, और यहाँ से कितना हो रहा है 7, 8 और 1, 9, फिर इधर ये तो नहीं बनना भाई, 1, 2, 3, 4 नहीं, 7, 5 ये भी नहीं हो रहा, 1, 3, 5, 7 नहीं, और यहाँ से डिफरेंस मैंने सही लिया है ना 16 और 26, यहाँ से 8 हो गया, अरे एक सेकेंड, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 2, 3, 4, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यानी कि 37, 55, 7 और 5, 12, 5, 3, 8, 9, 92 आएगा। अब यहाँ पर कितना हुआ प्लस का 12, 13, 14, फिर प्लस 3, 2, फिर प्लस 2, 3, फिर प्लस यहाँ पर 1, 3 और 1, 4, डिफरेंस देखते 6 और 3, 9, 7, 8 और 1, 9, 8 और 1, 9, 9 करेंगे 50, 138, 8, 8, 1, 188, और ये क्या 4% है टुगेदर, तो इसको देखते हैं बाद में। दूसरी तरफ का सोल्व करते हैं, 1578 इधर आएगा 6 इंटू 85
6 5 3 8 8 0 2 और 208 जाएगा, 208 इसमें ऐड होगा। ऐड होने के बाद 8 2 16 9 0 2 और ये भाई किसका बनेगा, 5 5 25 20 96 बनाए, 16 17 18 19 20 45 का तो नहीं बनेगा ये, लेकिन 8 का, अच्छा 8 की पावर में है ये, 8 का भाई, 8 का तो वो भी नहीं होता फिर, 1548 और ये हमारा फिर 6 ही है, 6 6 85 8 6 5 3 3 8 6 8 5 5 8 8 0 2 ये बनेगा 0 0। ओके ओके ओके, 4 आएगा ना इधर, तो 8 की पावर 4 आ जाएगा ये इधर, है ना, 3 तो वो गया, हाँ 4 आएगा, 15 1 15 5 3 8 4 15 5 75 9 0 15 ठीक है, 90 प्लस 335 5 11 5 3 8 9 और 1 4 187 करेंगे, 3 और 1 4 0 3 डिवाइड बाय 4 तो 1 2 फिर करेंगे 7 76 3 by 4 5 by 2 6 by 13 into 8 8 4 माइनस वो बाद में देखते हैं, 13 6 78 पे जाएगा ये, 78 104 कितना आएगा फिर 8 ठीक है, 6 4 2 8 4 पर काट देते हैं इसको, 15 16 1 17 हो गया, 2 बज गया, 2 पर ये गया 3, तो 3 3 9 9 5 45 45 इससे करेंगे, 7 5 35 3 7 4 28 8 2 16 3 4 3 7 और 5 4 2 करेंगे 3 2 2 223 आ गया, और यहाँ से 14 और 0 से 0 जाएगा, 45 46 47 47 ये, और यहाँ से 27 7 4 28 2 4 2 8 9 10 ठीक है, 7 इधर जाएगा 12 और 7 19 1 4 5 और 1 6 169 तो यहाँ से 4 2 8 80 और 27 107 और प्लस 8x 531 में से माइनस करना पड़ेगा, 3 और 1 4 2 4 और यहाँ पर 8 बचा था, 8 5 40 8 3 24 53 18 5 90 426 615 डिवाइड बाय एक्स और 8 और 1 9 2 और 1 ठीक है, ये कितने पर है, 9 चौक 36 4 पर ही जाएगा ये पूरा, फिर 0 4 और 1 5 10 170 करेंगे, 0 15 5 3 8 तो यहाँ पे 9 में से गया 8 डिवाइड बाय एक्स इंटू 8 5 40 8 5 40 5 8 0 5 8 2 16 x=16 ठीक है, ये तो ख़त्म हो गए सारे, अभी करते हैं ये वाली पज़ल, हम पज़ल बोल रहा हूँ सॉरी, DI और DI में क्या दे रखा, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ विजिटर्स टू द म्यूजियम एंड द नंबर ऑफ मेल्स विजिटर टू द म्यूजियम इन, तो वही है कितने ही परसेंटेज, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इतने हो गए, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो जाएगा ठीक है, लगाते हैं इनका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये हो गया टोटल, टोटल है 3000 और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास ये, तो 1 2 1 2 3 4 5 एक ही है ये कितना है हमारा 21 21 इंटू 3003 3 2 6 630 और इधर भी एक पर ही लग रहा है 31 लग रहा है ये 03 393 ओके, और इधर भी वन पर ही यानी 26 30 और 0 6 3 18 1
तीन छः एक सात, और इधर मुझे दो पे लग रहा है 22, 3 दूनी 6, 6 0, ठीक है, 6 3 3, 6 6 2 12, ठीक है, बन गया, सही है वो नंबर ऑफ। तो ये हैंडेड में है ना, तो मेल हो जाएंगे ये, इधर मेल हो गए, इधर फीमेल बना देंगे हम। मेल हमारे 300, 450, इधर दो पर है 420, इधर बना 3 3, और इधर कितना बनेगा, 13 में से 5 जाएगा 8, 8 और 5 13, 8 में से 4, 063 लास्ट वाला है, जो कि 20 कम है, यानी मतलब 2 कम है 28, 280, 0, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पे हो गया 5 3। इफ द नंबर ऑफ मेल विजिटर्स फ्राइडे इज 5/6, और द नंबर ऑफ मेल विजिटर इन ट्यूजडे, ट्यूजडे में मेल है 450, 15, 3 पर गया 2, 75, ठीक है, 5 पंजे 25, 2 7 पंजे 35 36 37 हो गया 375 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ फीमेल जो कि फ्राइडे को है 410, 5 8 7, 785। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विजिटर म्यूजियम विजिटेड टू द म्यूजियम ऑन ट्यूजडे, 40% ऑफ देम आर स्टूडेंट, एंड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल ट्यूजडे, ठीक है, टोटल का जो है 9:30 है, इसका 40, 4 3 12, 1 9 4 36, 37 ये हो गए स्टूडेंट, और ट्यूसडे जो मेल है 450, इसका 60, 6 पंजे 30, 3 6 2 24, 25 26 27 ये हो गया, यानी 201, ये हमारी गर्ल्स हो गई, जो कि 102 आएगा, ये काफ़ी बड़ा सा है। इधर टोटल नंबर ऑफ विजिटर म्यूजियम वीकेंड ऑन सैटरडे और संडे इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ, जो कि वेडनेसडे और थर्सडे को 0 4 7 14, ये हो गए सैटरडे प्लस संडे। द नंबर ऑफ मेल विजिटर म्यूजियम ऑन वे तो ये हो जाएगा 840, 0 0 4 2 6, 600 हो जाएंगे फीमेल। द टोटल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल विजिटर म्यूजियम ऑन ट्यूजडे, मेल जो कि ट्यूजडे 450 टू द फीमेल ऑन वेडनेसडे, फीमेल वेडनेसडे 360, 9 5 9 4 5 4। द नंबर ऑफ मेल विजिटेड टू द म्यूजियम ऑन मंडे, मेल जो कि मंडे को 300 इज 1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ म्यूजियम, थर्सडे को हो जाएगा 300 660/100, ये गया 2 2 1 0, यहाँ पर गया 11 50, 500/5/11, 45 हो जाएगा ये, अगर हम वैसे देखें तो द टोटल नंबर ऑफ, यही बनेगा फिर, पूरा तो जाएगा नहीं, तो 5/11, एक सेकंड दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 11 ये बनेगा 4, यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आफ्टर ऑफ एज ऑफ ए आफ्टर 5 ईयर हेंस, आफ्टर 5 ईयर तो 5 साल के बाद की दे रखी है, ए और बी की 4, और सी जो है एल्डर है 3x, और सी इज एल्डर 3x प्लस 15 हो गया, ठीक है। इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी प्लस सी, बी प्लस सी 7x प्लस 15, तो ये 5 साल के बाद है, आफ्टर 5 ईयर है ना, तो -10 करेंगे इसमें से, जो कि है 75, तो ये कितना बचेगा यहाँ से 5, यहाँ पे आएगा 70x की वैल्यू आगे 10। प्रेजेंट एज ऑफ ए निकालेंगे, आया 30, -5 करेंगे 25, ठीक है, आगे चलते हैं। अ वेसल कंटेन एक्स लीटर ऑफ मिल्क एंड वाई लीटर ऑफ वाटर, एंड देन मिल्क एंड वाटर एक्स और वाई, 40 लीटर ऑफ मिल्क 15 लीटर ऑफ वाटर इज एज, द रेशियो बिकम्स 8:5। इफ वाई
liter of milk is added when the ratio becomes x ratio y. अगर इसमें हम y liter of milk is added, so ये क्या बनेगा, x plus y upon y equals to 7:3. 7x plus में 3x plus 3y, 7y बना इधर, उधर जाके 4y 3x, x upon y कितना आया 4:3. ठीक है, यहाँ से कितना बनेगा, ये हमारा रेशियो में ही आया है 4, 4 प्लस 4x प्लस 40 अपॉन 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 8:5. फिर 8 × 5 = 40, 5 × 20 और 8 × 24 प्लस 15 × 8 = 120, 120 आएगा, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, कुछ तो गड़बड़ कर दी, प्लस 40 इधर 8, द रेशियो बिकम्स, चलो छोड़ो एक बार इसको, द रेशियो ऑफ द बोट x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम टू द किलोमीटर अपस्ट्रीम, स्पीड इक्वल्स टू मैं डिस्टेंस अपॉन मैं टाइम, तो टाइम का रेशियो दे रखा है 2:5, क्या बनेगा ये, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है पहला x, स्पीड हमें पता नहीं डाउनस्ट्रीम की, रेशियो लेंथ टू द ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ दे दिया ये, एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की हाइट इसने दे दी 15 सेंटीमीटर, इन द वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है हमारा LBH, तो 70 x² × 15, 4200 से गया 7 × 6 = 42, 15 × 4, एक्स की वैल्यू आ गई 2, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, ये हो गया 7 × 2 = 14, 20, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 × LB, 14 × 2 = 28, 80 प्लस 15 × 2 = 30, 300 + 15 = 225, 210, जो सारों को ऐड कर देंगे, टाइम भी खत्म हो गया। सो भी है हमारी इंग्लिश, तो ये इजी रहता है थोड़ा सा, ये पहले ही इसने सीक्वेंस बना करके दे दिया, अब पकड़ लेते हैं कौन कौन सा नहीं बन सकता, पहले उनको एलिमिनेट करते हैं। बी चेंज दैट ऑन प्रायोरिटी, ये नहीं बनेगा, पहला वाला गलत, इट इट से स्टार्ट नहीं होगा, ये भी गलत, सी सी से ये हो सकता है, और देखते हैं डी, डी से नहीं होगा, या फिर ई, ई से वट इज, तो ये ई से मुझे लग रहा है, देखते हैं, वट्स द फर्स्ट थिंग दैट कंसर्न यू व्हेन यू ओपन द डोर, फिर है बी चेंज दैट ऑन प्रायोरिटी, और इफ इट वर द डल एंड ग्लूमी लुक ऑन द डार्क कलर्ड बॉल टर्न आउट, ठीक है तो यही बनेगा, तो लिख लेते हैं डी बी सॉरी ई ई बी डी ए सी, ये बन गया। ओके देखते हैं सेंटेंस कम सेकंड, सेकंड पर आएगा बी, और सेंटेंस जो कि लास्ट में आएगा सी, फिर बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ यानी कि थर्ड, थर्ड वाला है हमारा डी, फिर फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, 1 2 3 4 ए है, फिर ये देख लेते हैं एंश्योरिंग, एंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्वायर्स रिक्वायर्स मोर देन गुड इंटेंशन एंड वर्बल कमिटमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स मोर देन, देन आई थिंक यही आना चाहिए, सस्टेन तो ही आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही आएगा, तो इन दोनों में से डब्ल्यू में रिक्वायरिंग मोर देन, रिक्वायर मोर देन आएगा, रिक्वायर्स मे बी नो अरेंजमेंट, ऑल मॉडर्न स्टेट दैट बी सेट बाय चैलेंज इन द सेक्टर ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन मोबिलिटी ट्रांजिशन एंड एग्रीकल्चर ट्रांजिशन, ऑल मॉडर्न स्टेट्स, ऑल मॉडर्न स्टेट्स आर आएगा, आर बिसेट बाय चैलेंज बिसेट फ्रॉम बिसेट बाय बाय भी बाय चैलेंजेस इन द सेक्टर, फिर 2 ईयर अगो आई वॉज शॉक, 2 ईयर अगो
I was shocked to see pictures and a video on a leopard. 2 years ago, I was shocked to see pictures and videos of a leopard. ठीक है, आई थिंक यही आना चाहिए. वॉच का तो लग नहीं रहा, यही होगा. और आगे देखते हैं. द आर्टिस्ट डैश क्रिएटिविटी लीड्स टू द लीड्स टू द डैश सक्सेसफुल ऑफ देयर लेटेस्ट एग्जीबिशन. द आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंटल No one would buy the dash that the provision enables dash conversion. No one would buy the fact story forceful conversion fact or religion conversion. The US move could also dash European countries to dash their policy towards the US. Move could also European country to dash their ये नहीं समझ में आ रहा. Investigation team yet to be clear about other bank accounts the dash had and dash to keep the stolen money. Investigation team yet to be clear about other bank's account. The accused has misused to keep the stolen money. All of the things related to an trafficking of children and women have dashed to the cyberspace. All of the things related to misuse, abuse and tracking, ये भी सकता है. और blackmail, torture and trafficking the makeaway BOD have moved ये हो सकता है. थर्ड ही आएगा. ये तो होगा नहीं, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो ख़त्म. इनमें से हो सकता है, थोड़ा सा मुझे डाउट भी लग रहा है, छोड़ते हैं इसको. इन द मोर डैश एंगेजिंग वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन अ डॉक्टर इज इन द सिमिलर हॉस्पिटल इज कॉल्ड द फर्स्ट सेटल दिस फी बिफोर how much higher fee. यानी कि डी हमारा सही है तो डी तो आएगा नहीं. बिफोर द फर्स्ट सेटल तो ए और सी. द यूको रुपे सेलेक्टेड कार्ड विल ब्रिंग अ नंबर ऑफ प्रीमियम एक्सपीरियंस फॉर वेरियस strata of customers ranging from club to gym members, domestic to international launch and many more, which reconfirm our resolve to provide best in class experience या फिर class facilities to our customer. experience पे आ सकता है A और D. हेडक्वार्टर इन चाइना इंडिया गैजेट शिल्ड इज द ट्रू पियनियर इन द इंडस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन एज इट इज द फर्स्ट कंपनी दैट इंट्रोड्यूस इकोनॉमिकल मोबाइल स्क्रीन बी और सी मोबाइल स्क्रीन फॉर स्मार्टफोन इन द 2010 एट ए वेरी डिवाइस प्राइस पॉइंट. नहीं ये तो गलत है. डी तो गलत आएगा, मतलब कि
वेरी इकोनॉमिकल प्राइस पॉइंट, ये हो सकता है बी ओ डी, यही होगा। फिर है पश्मीना, पश्मीना शॉल आर अ सोर्स ऑफ एलिगेंस नहीं फॉर मैनी इंडियंस, तो ये तो गलत आएगा इसका, मैनी इंडियंस इंक्लूडिंग वेवर्स बिकॉज ऑफ देयर ओपुलेंट प्राइड ब्यूटी एंड ग्रेट ग्रेट प्राइड, सी डी ए और बी, या फिर आई थिंक ए और सी आएगा, ग्रेट माउंथ। द साइट ऑफ द वेंडर्स केन स्टैंड इन ए नुक्कड़ बियरिंग ए प्लास्टिक बैग फुल ऑफ क्रिस्प फ्लफी मैश पोटैटो एंड वोट फ्लफी टू प्लास्टिक नहीं He would tickle, tickle the taste buds to go on overdrive. ये नहीं समझ में आ रहा मुझे, तो छोड़ते हैं इसको। और ये क्या है कि आरसी आ गया, आर सी एम करेंगे बाद में। ये देख सिनोनियम ऑफ इंक्लूसिव, इंक्लूसिव इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब कंप्रीहेंसिव, सही है वो तो कोई कंप्रीहेंसिव ही आएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट इस टाइप से होता है, इंक्लूसिव ओवरऑल सारा का सारा। तो चूज द वर्ड्स दैट हैज बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड इन द इनकरेक्टली लीडिंग टूरिज्म की स्पेलिंग गलत है, यू नहीं आएगा इसमें। स्ट्रेटेजिक थीम सही है। मैच द कॉलम, कॉलम वन व्हाट इज वर्स इवन इफ कम टू नो ऑफ इट, नो कम टू वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके है सुनाक हु इज द सन इन लॉ ऑफ इंफोसिस फाउंडर एन आर नारायण मूर्ति ऑल्सो हैपन टू बी द फर्स्ट ब्रिटिश, तो ये सही बना है। सी ओ डी, सी ओ डी सिर्फ एक में ही है तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं लो लो कलेक्शन मीन्स लेसर फिल्म एंड लेस एम्प्लॉयमेंट, लो कलेक्शन मीन्स लेसर फिल्म एंड लेस एम्प्लॉयमेंट, नहीं ये तो नहीं होगा, कुछ सेंस नहीं बन रहा इस चीज़ का। तो देखते हैं देयर मे और मे नॉट बी सीरियस मेथोडोलॉजिकल इशूज बट डबिंग द इंडेक्स एज एन अटेम्प्ट टू द न्यू रिलीज टू टेट इंडियन इमेज मैक्स टू द सेल्फ राइट देर रिसोर्ट टू सोशल मीडिया एंड ट्रेंड हैशटैग बायकॉटिंग the new release by quoting the new releases, to use of the COD, COD है सिर्फ इसी में। आगे चलते हैं the Democrats of today believes is in open border and weaponies, ये के साथ है F, the Democrat of today believes in open border and weaponies is a departure of reason and common sense. Okay, although not alive, it can still create art, but that isn't meaningless. Our top choice, nahi. Yet it also underlined the diversity of all that guide as a parrot, guide as a departure of reason and common sense. बिलीव इन ओपन बॉर्डर एंड वेपनीज में
yet it is also underlying the diversity of thought that guides C or E. Sanskrit slok underline the diversity of thoughts that guides as a parody of Sanskrit slokas. This is in open border and weaponism is the departure of the region and commerce. The initial investigation has proved that the drug reached India shore from अफगानिस्तान या पाकिस्तान. तो सही है ए और डी. ए और डी हमारा सिर्फ इसमें आगे देखते हैं हैदराबाद और चौक बिकॉज ऑफ रेंज एंड दैट एंड प्रॉब्लम्स गोइंग ग्लोबल बाय अनेबलिंग स्टूडेंट टू बी ग्लोबल सिटीजन इज एम्फेसाइज मल्टीपल टाइम्स इन द नेशनल पॉलिसी. ठीक है एक और रह गया हॉलीवुड नीड टू अंडरस्टैंड द चेंज इन Bollywood needs to understand the change in people's taste and make films protest or block nahi permanent rate of that chai. Aage dekhte hain the cost of secure a high position in the rating matrix has becomes are no sign of any negotiation and discussion with different प्रोटेस्ट. सी और आई आएगा ये तो कंफर्म हो गया. तो बी और सेकंड. ठीक है तो ये मेरे हुए नहीं थे अभी और मैं ये भी नहीं हुआ था. अभी देख लेते हैं ये व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग. एज मच द टूरिज्म सेक्टर इज अ की ग्रोथ ड्राइवर ग्लोबली कंट्रीब्यूटिंग इवेंचुअली टू global GDP and empowerment. Recognizing the potential of the sector, India holding the G20 presidency this year has facilitated our G20 tourism working group meetings. The meetings served as an important forum for sharing best practices and developing policies to promote sustainable and inclusive tourism growth. Promoting international name, identifying the strategic tourism growth, identifying strategic initiatives, enhancing digital name, encouraging local participation. According to the passive, what is the one of the potential benefit of the destination centric approach outlined in the union budget. The meeting identified key strategic initiative as in alignment with the Union Nation Sustainable Development. So, ye a goal which has the potential to reshape the Indian tourism landscape. These themes include green tourism, digitalization, destination management skills and MSME. Through these initiatives, the G20 tourism working group meetings aim to strengthen economic growth, preserve, promote sustainable development of the region. Okay, promotion of international toga nahi, increasing government control and aage dekhna padega. India is now being considered one of the fastest emerging tourism destination in the world with its growing economics, unique geographical diversity and cultural heritage. The sector holds significant potential for development in the coming year. Prime Minister Narendra Modi at the recently held G20 summit on the tourism in Goa and the sector a great potential for employment, regeneration, social inclusion and economic compress. India is leading with clear demonstration action on each of the strategic themes emerging from G20 tourism meeting for intense
द डेमो ये रहा ना डेस्टिनेशन सेंट्रिक अप्रोच आउटलाइन द बजट टॉक अबाउट ब्रिंगिंग टुगेदर मल्टीपल मल्टीपल पावर सेंटर ऑफ गवर्नमेंट्स इन प्रमोटिंग 50 न्यू डेस्टिनेशन एज टूरिज्म सेंटर द फ्यूचर। तो ये कहाँ है, कौन सा होगा, प्रमोटिंग इंटरनेशनल नहीं होगा, ये लास्ट वाला भी नहीं होगा। नंबर ऑफ विजिटिंग डेस्टिनेशन रिडक्शन तो नहीं बोला, इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल एंड आवर, ठीक है दोबारा देखते हैं एक बार। फॉर इंटेंस डेस्टिनेशन ठीक है, आउटलाइन द टॉक अबाउट ब्रिंगिंग टुगेदर मल्टीपल पावर सेंटर्स ऑफ गवर्नेंस प्रमोटिंग 50 न्यू डेस्टिनेशंस एज टूरिज्म सेंटर ऑफ फ्यूचर। एग्जाम्पल लोकल लोकेशन लाइक काशी केदारनाथ एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी विच इज द गवर्नमेंट इट होस्ट दिस। इंक्रीज कोलेबरेटिंग अमंग वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज ये भी हो सकता है ना, वेरियस जो कि अलग अलग है ये। प्रमोशन तो लग रहा है, इंक्रीज गवर्नमेंट विंटर टूरिज्म नहीं है, ऐसा कुछ तो बोला नहीं। और क्या है हमारा, एक ये है बेस्ड ऑन टाइटल, टाइटल क्या हो सकता है इसका, तो इंडिया रोल इन सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट ये हो सकता है। डिजिटलाइजेशन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन टूरिज्म G20 द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन टूरिज्म इंडियन कल्चर हेरिटेज, तो यही लग रहा है मुझे तो फिर इसका, ठीक है। बाकी तो इन ये पांच मुझे पता नहीं, इनमें डाउट है थोड़ा सा। एक ये देख लेते हैं, व्हाट डज द टूरिज्म कंट्रीब्यूट द इंक्लूसिव ग्रोथ बाय रिड्यूसिंग द लो प्रमोटिंग इंटरनेशनल लेवल टूरिज्म बाय क्रिएटिंग बिजनेस। और ये पढ़ाई नहीं आया नहीं अभी तो। सो अभी स्कोर देख लेते हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कम अटेम्प्ट रहे हैं, इंग्लिश में थोड़े से ठीक हुए हैं लेकिन पता नहीं एक्यूरेसी इसमें क्या रहेगी। बाकी क्वांट और रीजनिंग में तो बहुत ज़्यादा कम अटेम्प्ट हुए मेरे। थोड़ी जल्दी से एक बार ये रिजल्ट शो कर दे। ओके काफ़ी सही आया यार, 61.75 गलत कम हुए मेरे। हाँ वही तो, रीजनिंग में 20 किए हैं, सारे के सारे सही हैं, तो इस वजह से व्यू एनालिसिस देख लेते हैं इसका, तब तक यहाँ पर वो ओपन होता है तब तक ये देख लेते हैं हम। तो इंग्लिश में मैंने किए 25 जिनमें से 21 सही है, अच्छी बात है ये भी। लेकिन इंग्लिश मुझे इसकी थोड़ी सी इजी लगी, बिकॉज एक तो जो हमारा पैरा जंबल जिसे हम बोलते हैं वो डायरेक्ट इन्होंने उठा करके दे रखा था कि कौन सा सही होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है बनाना है ना। एक तो वो मेरा सही हो गया होगा तभी ये चार गलत है, वरना तो सारे गलत होते, पांच क्वेश्चन गलत हो जाते वहीं पर, ठीक है। एक तो वो ईजी था, बाकी वर्ड रीअरेंजमेंट थे वो भी ईजी थे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वो भी मुझे ईजी लगा। आरसी मेरा नहीं हुआ, वो एक वो है बस, एरर इसमें नहीं थे वो भी एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। एरर मेरे गलत हो जाते हैं थोड़े से, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि इसमें अलग अलग हैं, जिस वजह से काफ़ी सही रहा है। लेकिन एक बात है, रीजनिंग में मेरे इतने हुए ना, एक पज़ल और मैं कर सकता था, वो मैंने गलत कर दी, गलत उठा ली पज़ल भी और गलत कर भी दिया मैंने उसमें, फिर भी 370 रैंक आई है सिर्फ रीजनिंग में। हाँ क्वांट में थोड़ा सा मेरा रहा है, रैंक काफ़ी ज़्यादा आ गई, ठीक है। तो ओवरऑल 98% है मेरा, उम्मीद नहीं थी इतनी परसेंटाइल आएगी इस मॉक में। तो आप लोग लगाना और बताना आपका क्या स्कोर रहा इसमें और क्या परसेंटाइल आई। आई होप कि एग्ज़ाम में भी ऐसा स्कोर बन जाए, ठीक है, प्री क्लियर हो जाए एग्ज़ाम में भी।
बाकी देखा जाएगा जो होगा, तैयारी अपनी तरफ से पूरी रखेंगे। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।